वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल. दिस इज रवीना डागर. टुडेज चैप्टर इज मोशन ऑफ द अर्थ पार्ट नंबर सेकंड. पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी समरी डिस्कस करी थी. कुछ समरी रहती है वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है समर स्कोलेस्टिक. समर स्कोलेस्टिक क्या होता है बेटा? जब द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन दी ऑन 21 जून द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टाइटल्ड टूवर्ड्स द सन. जो 21 जून है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर था वो किसकी तरफ, सन की साइड झुकाव रखता है, उत्तरी दक्षिणांतर उत्तरी गोलार्ध. द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो सन की जो रेज है, किरणें हैं, वो सीधी किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाकर पड़ती है. इसका रिजल्ट क्या निकलता है? दीज एरिया रिसीव्स मोर हीट. ये एरिया क्या करता है? ज़्यादा हीट प्राप्त करता है. द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट. लेकिन इसके साथ जो जो एरिया कहाँ पोल के यानि कि ध्रुवों के पास रहता है उनमें क्या होती है? कम हीट पड़ती है, क्योंकि जो सन्स होते हैं उनकी लाइट क्या होती है? स्लांटिंग यानि कि तिरछी पड़ती है. द नॉर्थ पोल इज इंक्लेंड टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 months. 6 महीने तक यही सर्कुलर चलता रहता है. सूरज की किरणें 6 महीने तक एक प्लेस पर बहुत ज़्यादा हीट वगैरह देती रहती है, जिसके कि दूसरी साइड क्या होता है? सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन. इसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बहुत ज़्यादा सूरज का प्रकाश पड़ता है, और यहाँ पर इस कारण इसमें क्या होगा, इस क्षेत्र में समर यानी कि गर्मियों का मौसम होगा उत्तरी गोलार्ध में. द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ऑन 21 जून. 21 जून के आसपास यहाँ पर क्या सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी. एट दिस टाइम, इस टाइम पर द साउथर्न हेमिस्फेयर जो दक्षिणी गोलार्ध हैं, ऑल डिजीज दीज कंडीशन आर रिजर्व्ड. उसके विपरीत स्थितियां होगी. इट इज़ विंटर सीजन देयर. वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? विंटर यानी कि सर्दियों का मौसम होगा. दी नाइट आर लॉन्गर दैन दी डे. जो रातें हैं वो बड़ी होगी दिन के मुकाबले. दिस पोजिशन ऑफ दी अर्थ इज कॉल्ड द समर स्कोलेस्टिक. ये पोजिशन जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है, तो ये पोजिशन, ये स्थिति क्या कहलाती है? समर स्कोलेस्टिक कहलाती है. नेक्स्ट आ जाता है ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टाइल्स टूवर्ड्स इट. जब उसके सामने साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव घूम जाता है, तो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर घूमती पड़ती हैं. एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. जो वर्टिकली लाइन है वो सन की तिरछी यानि कि वर्टिकली रूप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, जो साढ़े 23 डिग्री दक्षिण की तरफ है. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट. उस टाइम क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा साउथ का, दक्षिणी गोलार्ध का, लाइट से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है. देयर फोर इट इज़ समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. इसी रीज़न से जो साउथर्न दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गर्मियाँ शुरू हो जाती है, लंबे दिन हो जाते हैं और छोटी छोटी रातें हो जाती है. द रिवर्स कंडीशन हैपन्स इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर. इसके विपरीत जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है. जिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर स्कोलेस्टिक. ये जो पोजिशन होती है धरती की, ये कहलाती है विंटर स्कोलेस्टिक. जब उत्तरी गोलार्ध में क्या ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दी समर सीजन. क्या तुम जानते हो जो क्रिसमस ईव है, क्रिसमस का जो त्यौहार है, वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है. ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो रेज है वो इक्वेटर्स पर सीधी पड़ती है. एट दिस पोजिशन नीदर द पोल्स इज टाइल्ड टूवर्ड्स द सन. इस पोजिशन में जो पोल्स है वो सन के बिल्कुल समीप सीधी टाइल्स में आ जाते हैं. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. दिस इज कॉल्ड
इक्विनॉक्स। इस दिन क्या होगा, हर इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को पोल्स पर सीधे यानी कि सूरज के सामने आकर सीधी लाइट पड़ती है और पूरे संसार में एक जैसा दिन और एक जैसी रात होती है, ना छोटी रातें ना बड़ी दिन होते हैं, इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। ऑन 23 सितंबर 23 सितंबर को इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर से जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें स्प्रिंग का मौसम, बरसाती मौसम, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ऑटम का मौसम स्टार्ट हो जाता है। द अपोजिट ऑन द केस ऑफ 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। इसके अपोजिट 21 मार्च को जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर ऑटम सीजन और उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड राइट एंड चेंजिंग इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। इस चीज़ से आपको पता लग गया होगा जो दिन रात की प्रक्रिया है और जो मौसम जो चेंज होते हैं वो किन वजह से होते हैं, सिर्फ अर्थ की जो रोटेशन की प्रक्रिया और रिवॉल्यूशन की प्रक्रिया होती है उसी के कारण जो हमारे दिन रात है और हमारे जो वेदर है, जो हमारा मौसम है, वो चेंज होता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसुलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि जो इंसुलेशन एंगल है वो क्या होता है अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन पर। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसुलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, क्या एंगल इंसुलेशन होता है अर्थ एक्सिस पर ऑर्बिटल जो प्लेन होता है, तो वो एंगल होता है द एंगल ऑफ इंसुलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 1/2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है इसको डिफाइन करो। रोटेशन होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही दूरी पर अर्थ का घूमना रोटेशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ इन अ फिक्स्ड पाथ। एक निश्चित रास्ते पर जो पृथ्वी होती है वो सूरज का जो चक्र लगाती है उसको कह देते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन में पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है, रिवॉल्यूशन में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्र लगाती है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं। एवरी फोर्थ ईयर फैब हैज 29 डे इंस्टेड ऑफ 28 डे। हर चौथे साल जो फरवरी में 29 दिन होते हैं बजाय की 28 डे के। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। उस ईयर को जिस साल एक साल में 365 दिन होते हैं लेकिन जिस साल ईयर में 366 दिन होते हैं उस ईयर को क्या बोला जाता है बेटा, लीप ईयर बोला जाता है। ये होता है जो हमने रिवॉल्यूशन डिस्कस किया था कि हमारी पृथ्वी को चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, तो उसमें से जो दिन बचते हैं वो हम हर चौथे साल ऐड कर देते हैं क्योंकि 6 मंथ बचते हैं, 6 ईयर बचते हैं हर साल और वो जाके 4 साल में क्या बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। किसमें 6 आवर बचते हैं तो वो जाके 4 साल में 24 आवर में 24 घंटों में कंप्लीट हो जाते हैं। 24 घंटे यानी कि एक दिन बन जाता है। तो इस तरह से हर 4 साल में फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, इसलिए फरवरी 29 दिन की होती है और जो ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। उसी साल को क्या बोल दिया जाता है, लीप ईयर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर स्कोलेस्टिक। समर और विंटर स्कोलेस्टिक में अंतर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है समर एंड विंटर स्कोलेस्टिक में। तो इस दिन द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून इज कॉल्ड समर स्कोलेस्टिक। जो पोजिशन होती है अर्थ की 21 जून को उस पोजिशन को बोल दिया जाता है, उस स्थिति को बोल दिया जाता है समर स्कोलेस्टिक।
और विंटर स्कोलेस्टिक में आ जाएगा द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर इज कॉल्ड विंटर स्कोलेस्टिक। जो स्थिति होती है पृथ्वी की 22 दिसंबर को उसको बोल दिया जाता है विंटर स्कोलेस्टिक। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रातें रहती हैं। The shortest days and longest night on the northern hemisphere. Winter scholastic में क्या होगा, छोटे दिन और लंबी रातें शुरू हो जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। Next आता है the rays of the sun fall directly on the tropic of cancer. जो सूरज की किरणें हैं वो tropic of cancer पर सीधी पड़ेंगी। Next विंटर स्कोलेस्टिक में क्या आ जाएगा, द रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो सन की रेज है वो वर्टिकली पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका, व्हाट इज इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है, 23 सितंबर को जो सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती है उस दिन पूरा संसार, पूरा जो अर्थ है एक्सपीरियंस करता है सेम इक्वल दिन होता है और समान दिन और समान रात, समान दिन और समान रात होती है, उसी दिन को क्या बोल दिया जाता है, इक्विनॉक्स बोल दिया जाता है। आई रिपीट, 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज फॉल ऑन द इक्वेटर, द होल डे एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसको क्या बोल दिया जाता है, इक्विनॉक्स बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर स्कोलेस्टिक इन डिफरेंट टाइम दैट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर का, तब समर हेमिस्फीयर में जब तब समर स्कोलेस्टिक में नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मियाँ क्यों होती हैं। तो द अर्थ ऑलवेज रिवॉल्विंग एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। अर्थ हमेशा क्या होती है, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है अपनी धुरी पर, और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेस द सन एक्सपीरियंस समर एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस विंटर। जो पार्ट्स सूरज के सामने फेस करता है अर्थ का वो गर्मियों का मौसम फेस करता है, जो पार्ट सूरज के दूसरी साइड होता है उससे दूर होता है उसकी किरणों से वो पार्ट विंटर को फेस करता है, सर्दियों के मौसम को फेस करता है। देयरफॉर इसी रीज़न से देयरफॉर द समर साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। जब साउथर्न हेमिस्फीयर विंटर सर्दियों का मौसम झेल रहा होता है एंड द समर स्कोलेस्टिक इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें उसी टाइम पर क्या गर्मियों का जो मौसम है वो चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 मंथ्स डेज एंड नाइट। किस तरह से जो गोलार्ध है वो 6-6 मंथ के लिए डे और नाइट्स को फेस करते हैं। अब आता है ड्यू टू इंसलिएशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये अर्थ का अपनी ही धुरी पर घूमने वाली एक प्रक्रिया है उसके कारण होता है, जो इंसलिएशन के कारण होता है। दिस इंसलिनेशंस कीप वन पोल टूवर्ड द सन। ये प्रक्रिया में जब एक पोल सन के पास, सन के आसपास रहता है एंड अनदर पोल अवे फ्रॉम द सन, दूसरा जो पोल है यानी कि दक्षिणी जो गोलार्ध का गोलार्ध है वो उससे दूरी पर रहता है, दूर रहता है 6 मंथ के लिए। ये 6-6 मंथ में एक बार 6 मंथ तक उत्तरी गोलार्ध पास रहता है, दूसरी बार 6 मंथ तक दक्षिणी गोलार्ध पास रहता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स कंडीशन। इस कारण के पीछे यही एक रीज़न है जो कि इंसेलिनेशंस के कारण होता है। अब करते हैं इसके टिक दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टिक दी करेक्ट ऑप्शन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। वो प्रक्रिया जो, वो प्रोसेस जो सूरज के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्र लगाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोटेशन, रिवॉल्यूशन या इंसेलिनेशन। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन।
नेक्स्ट है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन सन की सीधी किरणें इक्वेटर पर किस दिन पड़ती है 21 मार्च 21 जून या 22 दिसंबर तो इसका करेक्ट आ जाएगा बेटा 21 मार्च को नेक्स्ट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन गर्मियों में क्रिसमस कहां पर मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में जापान में इंडिया में तो इसका करेक्ट आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड टू ड्यू टू रोटेशन रिवॉल्यूशन ग्रेविटेशन जो सीजन मौसमों की जो साइकिल चलती है जो सीजन चलते रहते हैं स्प्रिंग ऑटम समर विंटर वो किसके कारण होते हैं तो वो प्रोसेस होती है रिवॉल्यूशन तो करेक्ट आ जाएगा रिवॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 करेक्ट आ जाएगा 366 नेक्स्ट द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश जो डेली मोशन होती है पृथ्वी की धीरे 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 हल्की हल्की जो गति हर दिन चलती रहती है अपनी दूरी पर घूमना जो चलता रहता है उसको क्या बोलेंगे वो आती है बेटा रोटेशन नेक्स्ट द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट जो सन के चारों तरफ जो ऑर्बिटर में घूमना वो कहलाता है इलिप्टिकल नेक्स्ट द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश 21 जून को जो सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकली कहाँ पर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं नेक्स्ट डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन किस दिन किस सीजन में जो दिन है वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं तो वो होता है विंटर सीजन यहीं पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 था पार्ट नंबर 2 इसमें हमने की थी समरी समर स्कोलेस्टिक विंटर स्कोलेस्टिक इक्विनेक्स और जो सीजन था उनकी चेंजिंग प्रोसेस को पढ़ा था इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर और हमने बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को हमारी वीडियोज़ को लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून थैंक यू